वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं इंश्योरेंस के हवाले से। हम में से हर शख्स चाहता है कि देयर मस्ट बी अ लीन बैक बैकअप प्लान फॉर देम। यानी अगर खुदा ना खासा जिंदगी आपको कोई ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तो वी ऑल नीड अ प्लान बी, समथिंग टू सपोर्ट अस। यानी खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपनी जॉब पर नहीं जा सकते, तो आपका जरिया आमदन फिर भी कोई ना कोई बरकरार होना चाहिए। दैट लिटिल टाइम जब आप एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, वी ऑल वॉन्ट टू प्लान फॉर दैट। इसके लिए मुख्तलिफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इनकी मकबूलियत इतनी नहीं है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी अनसर्टनटी के बावजूद, जिसमें हम देखते हैं कि कोविड का पेंडेमिक भी आया, फिर हमने वी बिन थ्रू टाइम्स जब पोलिटिकल अनसर्टनटी थी, टेररिज्म था, दहशतगर्दी थी, कारोबार के लिए स्टेबल और मुस्तहकम होना मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का रुझान बहुत कम है इंश्योरेंस की तरफ। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं शान रब्बानी साहब, जो कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस के साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। शान, मुझे बताइए कि आज अमरीका में इंश्योरेंस के हवाले से अवेयरनेस डे मनाया जाता है, बिकॉज उनका पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, उनकी पूरी सोसाइटी के लिए इंश्योरेंस बहुत अहम है। व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम कंट्रीज लाइक अमेरिका, लाइक द यूरोप, वहां पे यूके में जो ट्रेंड्स हैं, उससे पाकिस्तान क्या सीख सकता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो सित्रा। आपने बहुत अच्छा यहाँ कंपैरिजन दिया डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ। आई थिंक देखिए, इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए डिमांड और सप्लाई साइड दोनों फैक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगी तो सप्लाई साइड फैक्टर्स मौजूद हैं फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, जहाँ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, कंपनीज हैं, बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर रही हैं, और कुछ हद तक रेगुलेटरी कुछ भी अब मौजूद है इंश्योरेंस परचेज करने का। जो एक साइड थोड़ी सी लैक कर रही है वो डिमांड साइड लैक कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली रुझान नहीं है इंश्योरेंस परचेज करने का, और जब डेवलप भी होता है तो बहुत लेटर एज के ऊपर होता है। मतलब यू वुड बी सरप्राइज टू फाइंड के ज्यादातर इंश्योरेंस जो यहाँ मौजूद होंगे उनका जो रिटेल बेस है उसकी एवरेज एज वो रेंज अराउंड 40 to 45। तो जबकि जनरल कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का ये दैट यू बाय इट एट अ वेरी अर्ली एज एंड देन इट परसिस्ट्स विद यू अंटिल रिटायरमेंट और फॉर अ लेटर डेट। शान, आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई यंग एडल्ट इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, व्हाट इज द राइट एज टू इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस प्लान? द राइट एज वुड बी एज अर्ली एज वन कैन स्टार्ट नंबर वन सेविंग, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रोटेक्शन बेस्ड पॉलिसी जिसमें लाइफ होती है और हेल्थ होती है वो परचेज करें। उनकी कॉस्ट भी बड़ी लिमिटेड होती है, बट इस सब के होने से पहले सबसे ज्यादा मैं जो रिकमेंड करूंगा इज फॉर पीपल टू स्टार्ट रीडिंग अप ऑन इंश्योरेंस। इवन एज ऑफ नाउ बहुत वेराइटी है प्रोडक्ट की जो कि अवेलेबल है इंडिविजुअल्स को, लेकिन वो बहुत नैरो बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। जस्ट टू पॉइंट आउट, टर्मिनल कवर्स बहुत सारे आ गए, खुदा ना खास्ता अगर किसी को लॉन्ग टर्म इलनेस हो जाती है, लॉस ऑफ इनकम कवर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं अगर किसी की जॉब चली जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं खुदा ना खास्ता अगर अनफॉर्चुनेट हेल्थ एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो ये कवर्स हैं जिन पे फोकस बड़ा कम रहा है पब्लिक का भी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने लॉस ऑफ इनकम कवर का यहाँ पे जिक्र किया। आमतौर पे लोगों के जहनों में, क्योंकि हमें बड़ी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग इंश्योरेंस की याद है, तो लोग कहते थे कि जी हायर एजुकेशन के लिए अगर बच्चों को भेजना है, कोई शादी होनी है, घर की मुरम्मत करनी है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस के खुदा ना खास्ता अगर जो फैमिली का सरबरा है उसका इंतकाल हो जाता है, तो जो उसके सर्वाइवर्स हैं, जो उसकी फैमिली है, उनके लिए मुश्किल ना हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि लॉस ऑफ इनकम कवर, और आजकल की बहुत बड़ी रियालिटी है, मोस्टली पीपल जो जॉब्स कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, आपकी कभी भी जॉब जा सकती है। हाउ डज दी यू नो लॉस ऑफ इनकम कवर वर्क, अगर हमारे व्यूअर्स को आप बताएं? तो लॉस ऑफ इनकम कवर जो फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल होता है वो मोस्टली इन केस ऑफ डिसेबिलिटी वो किक इन होता है। एक अल्टरनेटिव जो आप बात करिए वो होता है कि लॉस ऑफ जॉब की केसेस में हो, जो कि आप देखेंगे कि इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, उसमें अनफॉर्चुनेटली मॉरल हैजर्ड बहुत होता है, वेरीफाइंग वेदर नॉट समबडी हैज अ जॉब। ऑल्सो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो वेरीफाइंग वेदर नॉट समबडी एक्चुअली हैज अ जॉब इज नॉट एन इजी टास्क टू डू। बट देखिए, ये चीजें क्या है, ये इवॉल्व करती है। आज जितने कवर्स अवेलेबल हैं 5 साल पहले नहीं थे, और अब जो मिलेनियल पॉपुलेशन है आपकी, उनकी डिमांड्स अलग हैं, जेन जी की डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं। अब
तो कवर्स उस पॉइंट पर पोटेंशियली आप देखेंगे अगले एक दो साल में आ जाएंगे कि जहां अगर आपको एक घंटे के लिए कवर चाहिए आपने कवर ऑन किया एंड बाय द टाइम दैट आवर्स पास्ड आप कहेंगे मेरा कवर खत्म कर दें। जिनको हम माइक्रो कवर्स की बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यू ट्राई टू टेक अ रोड ट्रिप फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो उन दो दिन के लिए हो सकता है आप अपना कवर ऑन कर दें, अपना पर्सनल कवर भी और अपनी गाड़ी के लिए भी, यानी विद इन अ फ्यू आवर्स अ फ्यू डेज की प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा शान, यहाँ पे जरूरी बात यह है कि इफ पीपल आर व्यूइंग इंश्योरेंस एज अ, यानी उसका कंपैरिजन अगर कर रहे हैं विद सेविंग टूल्स, तो क्यों आज भी पाकिस्तानी आवाम को लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा आसान है, जबकि खुदा ना खास्ता अगर मुश्किल का वक्त बने तो ये एसेट्स की लिक्विडिटी सबसे कम होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपनी इंश्योरेंस के फंड को लिक्विडेट करना चाहें तो इट्स लेस टीडियस, इट कैन बी डन वेरी क्विकली। ये बात लोग क्यों नहीं समझ पाते? तो सिद्रा, आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो दारोमदार हो गया ना वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट पे है। इसका पूरा ओनर्स पब्लिक को भी नहीं दिया जाएगा, कुछ ओनर्स कंपनीज देमसेल्व्स लेंगी, कुछ रेगुलेटर भी लेगा, बट प्राइमरीली देखें आज की पब्लिक को जब बिटकॉइन जैसी मुश्किल इन्वेस्टमेंट्स का अंदाजा है तो आई एम श्योर इंश्योरेंस इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं है, बट वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू डिवोट द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड ऑल्सो हाउ टू ऑप्टिमाइज इट। लेकिन विद इन इंश्योरेंस इतना मैसिव लैंडस्केप है कि आपने ये भी देखना है कि आपको क्या चीज सूट करती है और वो आपके लिए ऑप्टिमम किस पॉइंट पर। बिल्कुल सही है। अगर आप रियल एस्टेट और गोल्ड की बात करेंगे तो असल में वहां पर बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। आप सही कह रही हैं, रियल एस्टेट इज इलिक्विड, मे बी नॉट फॉर पाकिस्तान दो, रियल एस्टेट इज एक्सट्रीमली लिक्विड है। तो इस तरह के बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, बट फॉर इंश्योरेंस आई थिंक देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप 10 लोग का एग्जांपल लें और उनसे सवालात करें तो आई थिंक सबसे वीकेस्ट एसेट क्लास जो होती है वो इंश्योरेंस होती है। बिल्कुल सही। शान, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान एक बहुत ही अनसर्टन सिनेरियो से गुजर रहा है, पोलिटिकल अनसर्टनिटीज हैं, साथ ही साथ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम अपनी इकोनॉमी पे देख रहे हैं, हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस ली हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट पे, उनके प्लान्स पे क्या असर पड़ रहा है? सो इंश्योरेंस का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का। सो व्हेन यू बाय अ पॉलिसी इट इज सपोज्ड टू लास्ट ओवर 10 इयर्स, इट इज सपोज्ड टू लास्ट ओवर 20 इयर्स। सो इफ एन इंश्योरेंस हैज बीन प्लान्ड सो एज टू इंश्योर के आप 10 या 20 इयर्स के ऊपर एक सर्टेन मिनिमम प्रीमियम साइजेस दे सकते हैं तो सस्टेन करता है। हमारे केस के अंदर भी जो एक इम्पैक्ट इवेंचुअली इंडिविजुअल्स पे आ सकता है वो ये है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स इतने हैं कि मेकिंग प्रीमियम पेमेंट्स कुड बिकम डिफिकल्ट। उसके लिए इंश्योरेंस ने वेरियस फैसिलिटीज ऑफर की भी हैं। ऑल्सो बैक इन फॉरवर्ड इफ यू सी पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक देयर प्रीमियम पेमेंट्स, तो उनको प्रीमियम हॉलीडेज फॉर एग्जाम्पल दी गई थी कि यू हैव लॉन्गर टाइम टू कम एंड पे योर प्रीमियम्स। बट हैविंग सेड दैट, येट अगेन आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कंज्यूमर इंश्योरेंस को अपने नीड पिरामिड में जरा ऊपर प्लेस करें। ऐसे वक्तों के अंदर येस इट इज डिफिकल्ट टू परसीव हाउ सच एन एसेट कैन बी ऑफ बेनिफिट टू यू, बट देन दिस इज द टाइम टू इंश्योर दैट यू कंटिन्यू सच एन एसेट। बिल्कुल सही। शान, एक आखिरी बात यहाँ पे जरूर रिइटरेट करना चाहेंगे, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट अ स्टेटमेंट, के जेएलआई की तरफ से आपको मुख्तलिफ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जहां आपके बैंक की शराकतदारी के साथ इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, यानी अगर किसी भी क्लाइंट के एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैश इज जस्ट लाइंग इन द बैंक तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एक इंश्योरेंस प्लान में ताकि इट एक्चुअली works for you। जितने पैसे आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह अपने अकाउंट में रखे हुए हैं सेविंग्स की वजह से दिन ब दिन आपका जो सरमाया है वो घटता है, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इट इन अ प्लान। थैंक यू सो मच शान फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर लेटिंग पीपल नो कि आपके पे एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं या आपको लग रहा है कि जी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अपने इंश्योरेंस प्लान की प्रीमियम को देने का। प्लीज डू एक्सप्लोर, आप यू कैन गेट इन टच विद जुबली लाइफ और उनसे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको प्रीमियम हॉलीडे मिल सकती है या उसमें कोई लीवे या लेवरेज आपको मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि ऑलवेज प्लान एंड सेव फॉर अ रेनी डे, और उसमें इंश्योरेंस आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।